नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ले लीजिए, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स, ऑफ मास m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn, हैविंग एन पार्टिकल्स भी कर लोगे। वी आर बॉडी हैविंग एन पार्टिकल ऑफ मास m1, m2, m3 अप टू mn, ओके। आगे लिखिए, लेट r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn आर द r1, r2, r3 अप टू rn आर द perpendicular distance of the particles, from axis of rotation, सही है, बताऊंगा क्या चीज़ अभी। एंड बॉडी रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी, बॉडी रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डब्ल्यू जैसा होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक भाई? एक बॉडी है, एन पार्टिकल्स हैं, घूम रही है, सीधी सी बात अभी कर लोगे, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, किसी एक्सिस के अराउंड घूम रही है। एक तो होता है जहाँ पे घूम, ये हाथ घूमे तो ये एक्सिस होती है इसकी, दिस कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, ये हाथ यहाँ पे घूम रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कर लोगे। जिसके अराउंड भी हम घूम रहे हैं वो क्या, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कर लोगे भाई। अब देखो मेरी ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, जिसके अराउंड बॉडी घूम रही है, और ये बॉडी है भी, ये किसी भी शेप की हो सकती है कर लोगे भाई। एंड इट हैव एन पार्टिकल्स, जिसका मास कितना है m1 पहले का है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, ये r1 है, देखो ना r1 r2 आर द डिस्टेंसेस, ये m2 है कोई मास, ये डिस्टेंस कितना भाई r2। उसी तरीके से ये rmn हो गया, एन पार्टिकल्स हैं, ये डिस्टेंस कितना rn, और बॉडी घूम रही है भाई, ऐसे घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके अराउंड ऐसे घूम रही है बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायग्राम बनाओ। बुक में क्या होगा, इस एक्सिस के यहाँ से पास की होगी बीच से, ऐसे घुमा रहा होगा बुक बॉडी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, ठीक है। ये आसान होता थोड़ा करना दिखने में, कि पॉइंट बन रहे हैं इसके भी, वो सारे पॉइंट एक बॉडी में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स, आंसर सेम आएंगे बिल्कुल। हो गया भाई, डायग्राम बना लिया भाई इसमें। अब देखिए जब ये घूम रही है भाई इसके राउंड, तो किस में घूम रही है, ने सर्कुलर पाथ घूमे घूम रही है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर जगह चेंज हो जाती है भाई डायरेक्शन के साथ भी, ये सर नो, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी भी होगी इसकी, कौन सी वेलोसिटी भाई, सिंपल वेलोसिटी, एंगुलर तो बना दी हम लोगों ने, सिंपल वेलोसिटी भी तो होनी है इसकी, अगर कोई चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, सिंपल वाली तो होगी, कर लोगे। तो लिख लीजिए, लेट v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn, ये क्या है, आर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, दो है भाई, एंगुलर भी होगी, कौन सी होगी, लीनियर भी होगी, बॉडी चल भी तो रही है, कर लोगे, यस और नो, अगर वेलोसिटी है मास है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी भाई, वही तो निकालनी है, कर लोगे। तो देखो कैसे होगा, रब कर दे भाई इसको डायग्राम को, ये बार
लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल भी, फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इसको मैं ई वन ले लेता हूँ, ई वन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है भाई, हाफ एम वन वी वन स्क्वेयर भी, किसका है कट गए रिकॉर्डिंग्स, हो गया अभी कितना हो गया, हाफ एम वन वी वन स्केयर भी, ये सिंपल पहले पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को भी कर लोगे, क्योंकि अब दो वेलोसिटी हैं अभी, एक तो एंगुलर है, कौन सी है, लीनियर भी है, तो उनमें रिलेशन क्या है अभी, हमने किया और रिलेशन क्या याद होता आपको, हमने लिखा था कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी, चेक करो कॉपी अपनी, जब मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर वेलोसिटी देखिए क्या, हम एंगुलर वेलोसिटी में ये फार्मूला आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा v, देखो याद होना चाहिए, याद ही नहीं है, देखो तो ठीक है, अब क्योंकि v1 निकालना है, v1 कितना होगा भाई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, पहला पार्टिकल है r1, क्या ओमेगा बदलेगा भाई, देखो पूरी बॉडी घूम रही है ओमेगा से, तो सारे पार्टिकल भी ओमेगा से घूम रहे होंगे भाई, यस आर नो, ओमेगा चेंज नहीं होगा, सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा अभी, कर लोगे तो कितना है वी वन का वैल्यू, आर वन ओमेगा भी, पुटिंग द वैल्यूज भी, कितना आएगा ई वन का वैल्यू भी, वन बाई टू एम वन वी वन स्क्वेयर, कितना होगा आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल का एनर्जी, किस टर्म में, इन टर्म ऑफ ओमेगा भी हो जाएगा भाई, yes, इसी तरह से किसका आएगा सेकंड का, कितना आएगा e2, टू लिखिए फोर सेकंड e2 टू वन बाई टू एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, सेम तरीके से कर लोगे, उसी तरीके से थ्री का e3 थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर, सुई हो ना ओमेगा स्क्वेयर, और एन का कितना होगा भाई, ई एन वन बाई टू एम एन आर एन का स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, तो हमने क्या कर लिया, इंडिविजुअल का निकाल लिया एनर्जी, कौन सी एनर्जी निकाली है, काइनेटिक एनर्जी भाई, इन टर्म ऑफ ओमेगा, समझ में आया कि नहीं आया, पूरी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी निकालें तो जोड़ देते हैं सभी को, लिख लीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, रब करते हैं भाई इसको, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, ई वन प्लस ई टू प्लस सोन भी ई एन, सभी को जोड़ देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई वन कितना था भाई, वन बाई टू एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा प्लस वन बाई टू एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा एंड सोन, एन कितना आएगा, वन बाई टू एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा भी, ओमेगा स्क्वेयर आएगा क्या, ओमेगा स्क्वेयर भी, सही है कर लोगे, यही होगा ना, वन बाई टू एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर भी, यस आर नो, कॉमन क्या रहा है, वन बाई टू और ओमेगा कॉमन है, सही है कि नहीं है, तो वन बाई टू बार निकाल लेते हैं, उस तरफ से ओमेगा निकाल लेंगे तो कितना बचा है, एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर एंड सोन एम एन आर एन स्क्वेयर इन टू ओमेगा स्क्वेयर, क्या मैंने सही लिखा है, यस आर नो, अब वन बाई टू है ओमेगा स्क्वेयर है, अगर इस कोरिलेशन को मैं कंपेयर करना चाहूँ किसके साथ भाई, सिंपल एनर्जी के साथ, कितना था, वन बाई टू एम वी स्क्वेयर, ये एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल सिस्टम भाई, अब हम किसके पढ़ रहे हैं, रोटेशन की पढ़ रहे हैं, तो ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, वन बाई टू है, ये वन बाई टू है,
इट इज लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं लग रहा कि मास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, मास की तरह की चीज़ को रिप्रेजेंट, मास नहीं है, मास की तरह की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसमें नाम दिया गया इसको आई बी, कैसे लिखा गया, E इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर में, आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसका नाम दिया मैंने, किसको नाम दिया आई, देखो इसको रब कर दूं भी ऊपर वाले को, देखिए वेयर आई इज, लिखो भाई वेयर आई, किसको माना आई मैंने, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एंड सोन एम एन आर एन स्क्वायर। इसको अगर जोड़ूं सारे को इन टर्म ऑफ समेशन, जोड़ सकते हो क्या, कैसे जोड़ोगे समेशन, कौन सा, ठीक है अगर जोड़े, यहाँ पे वन है यहाँ भी वन है, यहाँ पे टू है यहाँ पे टू है, चेंज तो हो रहा है लेकिन इसके साथ हो रहा है भाई, तो क्या लिखूं, एम आई आर आई स्क्वायर आई फ्रॉम वन टू एन, आई फ्रॉम वन टू एन, ये तरीका होता जोड़ने का इन टर्म ऑफ समेशंस में, इन टर्म ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम में कर लोगे। तो आई का वैल्यू कितना आया, लिख दिया मैंने समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर। इस आई को नाम दिया गया अभी, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्या नाम है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, पढ़ना चाहते हैं इस मिनट में, अब ये टॉपिक आ रहा है इस मिनट में पूरी में, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ऐसा लग रहा है कि इस ये मास की तरह चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो सिंपल बात है भाई, जो काम मास किस में कर रहा है, सिंपल सिस्टम में कर रहा है, वो भी यहाँ पे कौन करेगा, आई करेगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया करेगा, कर लोगे, एनी प्रॉब्लम क्लास, दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन रोटेशनल सिस्टम भाई, ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, कर लोगे, क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट हो गया भाई। अभी हम करते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इससे आ गया ना फार्मूला, तो क्या फार्मूला बना, आई का एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक है, एक का हो तो एम वन आर वन का स्क्वायर, दूसरे का हो तो एम टू आर, दोनों का हो तो एम वन प्लस एम टू आर, कर दो, कर पाओगे ना, रब का इसको आई से लिखेंगे। देखो जो काम मास का है, मास का काम क्या है भाई, सिंपल सिस्टम में आपको ये बताएगा मास से बॉडी चलेगी नहीं चलेगी, सीधी सी बात है, अगर मास ज़्यादा होगा बॉडी नहीं चलेगी भाई, मास कम होगा तो बॉडी चल पड़ेगी उसी फोर्स से, यस और नो, यानी ये प्रॉपर्टी है ना, बॉडी की प्रॉपर्टी थी जो उसकी मास पर डिपेंड कर रही थी, बॉडी चलेगी नहीं चलेगी, रुकी है रुकी रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था वहाँ पे, इनर्सिया दिया गया था। तो अब यह इनर्सिया किस में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया में आ गया, कर लोगे, यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि बॉडी चलेगी चलेगी, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिसाइड करेगा भाई, कर लोगे भाई, टॉर्क तो लगाना पड़ेगा, और कम टॉर्क पे एक टॉर्क लगा दिया फिक्स कर दिया, अब इसका इनर्सिया कम है वो चल पड़ेगी, इसका ज़्यादा है वो नहीं चलेगी, सीधी सी बात है, कर लोगे भाई। तो क्या होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी, लिख लीजिए, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट पूरा लिखते हैं, क्या लिखा था मैंने, एक बार, इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट भाई, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल मासेज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल मासेज एंड स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या लिखवाया गया है दोबारा देखो भाई, आई क्या था अभी क्लास, लिखो फॉर्मूला दोबारा से, आई फ्रॉम वन टू एन क्या था, एम आई आर आई स्क्वायर, मैंने क्या लिखवाया देखो डेफिनेशन में भी, इसको लिखवाया है जो अभी लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया इट इज द सम ऑफ
प्रोडक्ट किसकी, ऑल मासेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मैंने फार्मूला बनाया था उसी को मैंने इन टर्म ऑफ लैंग्वेज लिखवाया आपको, भी कर लोगे। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ आई मास की क्या होती है भाई, किलोग्राम, और ये मीटर स्क्वायर में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर, कर लोगे ना। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, मास का एम वन हो गया, डिस्टेंस का एल टू हो गया, टाइम जीरो है भाई, एम वन एल टू टी जीरो सही है। वेक्टर है कि स्केलर है, मास क्या है, स्केलर है, तेवी स्केलर है, सीधी सी बात है, उसी को दिखा रहा है। वैसे भी क्या है, आर डिस्टेंस है और स्केलर है, मास डिस्टेंस खुद स्केलर है, स्केलर इंटू स्केलर क्या करोगे, आंसर इज स्केलर। अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज ए स्केलर क्वान्टिटी, हो जाएगा भाई। तो इसमें एक चीज़ और लिख सकते, एक थोड़ा रिलेशन बन सकता है, हमारी वैल्यू आई थी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके भाई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मेरी ओमेगा किसके बराबर हो जाए भाई, वन रेडियन पर सेकेंड, यूनिट याद है, वन रेडियन पर सेकेंड, अगर ये वैल्यू बन जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज इनर्सिया, इट इज ट्वाइस किसका, काइनेटिक एनर्जी का, दो यहाँ पे आ जाएगा, कर लोगे, ये वन हो गया, आई किसका बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन भी कितना होता है, भी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही है स्क्वायर। अभी लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन भी, रोटेशनल मोशन अभी किया था, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही है। अगर दोनों को हम कंपेयर करें, दो एनर्जी है, दोनों में हाफ आया हुआ है, दोनों वेलोसिटी आया हुआ है, ये क्या किसको शो कर रहा होगा, ये मास को शो कर रहा होगा, यानी क्या बोलोगे, मीनिंग क्या हुआ इस बात का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम रोल प्ले कर रहा है रोटेशन मोशन में, जो मास काम करता है लीनियर मोशन में करता है, यानी मास का क्या है, एनालॉजी है ये, बराबर आ रहा है एनालॉजी, जो वो काम हो कर रहा है वो भी यहाँ पे करा जा रहा है, यह सर नो, तो लिख लीजिए इस बात को, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लिखिए ना, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल एज प्लेड बाई मास, ऐसे लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल इन रोटेशनल मोशन भी, इन रोटेशनल मोशन एज प्लेड बाई मास, एज प्लेड बाई मास इन लीनियर मोशन भी, एज प्लेड बाई मास इन लीनियर मोशन, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉजी ऑफ मास वे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉजी ऑफ मास। लिखिए क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ ग्रेशन भी, रेडियस ऑफ ग्रेशन क्या होता है। देखो हमारे पास हो सकता है कि डिफरेंट शेप का बॉडी हो भाई, हमने बोला था कि शेप कुछ भी हो सकता है, बॉडी का कुछ भी शेप हो सकता है अभी, और वो घूम रही होती है। लिख लीजिए, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम भी, बराबर मानो ना मानो मर्जी आपकी भी, हो सकता है कि मास अलग भी हो भाई, एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन, हम बराबर से भी क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, हर एक का मास कितना है एम, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे, कितना मास हर एक का एम, हैविंग आर वन आर टू अप टू आर एन,
हैविंग आर वन आर टू अप टू आर एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो क्लास, एक बॉडी घूम रही है अभी, आगे एक और लिख दीजिएगा, लेट ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि घूम रही है तो वेलोसिटी तो होगी उसकी कुछ ना कुछ, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सही है। ये आपकी कोई बॉडी है, कोई भी शेप की हो सकती है, अभी ये है टॉपिक किसके लिए, ऐसी शेप के लिए जिसके बारे में पता ही नहीं है कैसी है ये, हमको शेप जानते हैं हम लोग, हमको पता है कि सर्कल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, कोण क्या होता है, स्यूब क्या होता है, हमको पता है इन चीज़ को, उनको बोलते हैं रेगुलर शेप भी। अरे कुछ शेप ऐसी होती है, क्या नाम दे इसका भी, कुछ नहीं है वो, क्या आपकी इरेगुलर शेप्स होती हैं, शेप कुछ भी हो सकती है भी, ठीक है। इसके पास एन पार्टिकल्स हैं अभी, हर एक का मास कितना है, एम, ये भी एम हो गया, ये भी एम हो गया, इस तरह के बहुत से पार्टिकल हैं इसके साथ भी, और ये घूम रही है अभी इस एक्सिस के अराउंड भी, किस वेलोसिटी से, ओमेगा से, ये एक्सिस है इसके साथ तो वैसे घूम रही है, कर लोगे। और ये क्या है इसकी, ये क्या है, आर वन आर टू आर थ्री एंड सो ऑन, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको निकालना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया भाई, उससे हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ ग्रेसन्स निकालेंगे। डायग्राम बना लो जल्दी से, बना लिया, तो बताओ मेरे को भैया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ फर्स्ट बॉडी भी, फर्स्ट पार्टिकल भी कितना होगा, फर्स्ट पार्टिकल का भी, इसको आई वन ले ले, एम आर स्क्वेयर था फॉर्मूला भी लास्ट देखा आप लोगों ने, एम आर स्क्वेयर भी, यस आर नो, पहले कितना होगा, एम आर वन स्क्वेयर, एम वन ले लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को एम वन लेने के, बाद में क्या बता दूंगा, एम वन एम टू सारे बराबर है नहीं है, कर लोगे, हम पहले से क्या मान के चल रहे हैं, पार्टिकल का मास सभी का क्या है, सेम है भाई, हो जाएगा। सेकंड का कितना होगा भाई, सेकंड बॉडी का एम आर टू स्क्वेयर, इसी तरह से थर्ड का कितना होगा भाई, सॉरी एन का कितना होगा, एम आर एन स्क्वेयर, यही था। और आपको याद हो ना, हम लोगों ने एक्सप्रेशन किया था एम आई आर आई स्क्वेयर, मतलब सभी को जोड़ना पड़ेगा मेरे मोमेंट ऑफ इनर्सिया को, यस आर नो, तो निकल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई वन प्लस आई टू प्लस ऑन भी आई एन, सही लिखा है, पुटिंग द वैल्यूज भी, आई वन आई कितना था भाई क्लास, एम आर वन स्क्वेयर प्लस एम आर टू स्क्वेयर एंड सोन, कहां तक जाना है, एम आर एन स्क्वेयर तक भी, एनी प्रॉब्लम भाई, कॉमन निकाल लें हमको, क्योंकि हमने पहले से क्या मान रखा, बराबर मान रखा है हमको भी, निकालो कितना आएगा, आएगा वैल्यू एम आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस सोन भी आर एन स्क्वेयर, यहां तक किसी को डाउट है भाई, हो गया सभी का। इस इक्वेशन को एन से गुणा करते हैं, एन से भाग देते हैं, एन क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, देख लीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन, तो क्या हुआ क्लास, देखिए आई एन एम इंटू आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस ऑन आर एन स्क्वेयर डिवाइड बाय एन बाई, क्या मैंने सही लिखा है, एन से गुणा किया, एन से भाग दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं इक्वेशंस पे, ये क्या बन गया भाई, मास ऑफ वन पार्टिकल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स मास ऑफ द बॉडी बन गया, यस और नो, ये क्या है, ये एम बन गया भाई, एम क्या है, एम एन, ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी, क्या बना सही लिखा है, हर एक पार्टिकल मास कितना है, स्मॉल एम है,
और गुणा में कितना किया गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दिया गया, तो क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ द बॉडी भी कर लोगे। और ये जो है ना, ये भी कुछ बन रहा है अभी रेडियस जैसा, तो इसको मैं लिख देता हूँ आई एम बुक किया हुआ के स्क्वेयर, वेयर के स्क्वेयर इज, किसको मान लिया मैंने भी के स्क्वेयर इज कितना होगा भाई, आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस सोन आर एन स्क्वेयर बाई एन भी, क्या सही लिखा है, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने के स्क्वेयर। तो के किसके बराबर होगा, के बराबर है किसके, अंडर द रूट आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस ऑन आर एन स्क्वेयर बाई कितना एन। तो के क्या है भाई, इस के को क्या बोलते हैं, ये है रेडियस ऑफ ग्रेसन भाई, रेडियस ऑफ ग्रेसन। यानी अगर आपको पता ही नहीं है शेप कैसा है तो क्या निकाल लो, उनसे भी क्या एक पॉइंट निकाल लीजिए, कर लोगे